वेरी गुड मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल। हाउ आर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टीचिंग यू ईवीएस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप चैप्टर थर्ड, व्हाट कैन चिल्ड्रन डू फॉर देयर पेरेंट्स। ओके, तो चैप्टर थर्ड आपके ईवीएस के एसएसटी पोर्शन का चैप्टर थर्ड है, जिसका नेम है व्हाट कैन चिल्ड्रन डू फॉर देयर पेरेंट्स। ओके, तो ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं और इसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर पहले आप अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अपनी नोट में नोट करेंगे और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन है, नेम एनी टू थिंग्स विच द बॉयज डू फॉर द फैमिली। ऐसी कोई टू थिंग्स बतानी है जो बॉयज करते हैं फैमिली के लिए। तो फर्स्ट है गेटिंग मिल्क फ्रॉम द डेयरी, डेयरी से मिल्क लाने का काम। और सेकेंड है सर्विंग द गेस्ट, जो गेस्ट आते हैं उनको सर्विंग करना। ओके, तो ये टू वर्क बॉयज करते हैं। ओके, आपको और जो वर्क पता है बॉयज के जो फैमिली के लिए वो करते हैं तो आप लिख सकते हैं, पर आपको टू ही लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी टू थिंग्स विच द गर्ल्स डू फॉर द फैमिली। तो फर्स्ट हो गया क्लीनिंग और सेकंड हो गया वाटरिंग द प्लांट, क्लीनिंग सफाई करना, वाटरिंग द प्लांट पेड़ों में पानी देना। ओके, तो ये किसके वर्क हो गए, गर्ल्स के वर्क हो गए। ओके, तो आपको समझ में आ गए क्वेश्चन आंसर चैप्टर थर्ड, व्हाट कैन चिल्ड्रन डू फॉर देयर पेरेंट्स। ये चैप्टर आपके एसएसटी का चैप्टर है, ईवीएस में एसएसटी पोर्शन का चैप्टर है। ओके, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर थर्ड। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आप इसे नोट करेंगे और आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।